नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, प्रभु श्री राम से की स्वास्थ्य की कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके, इसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन आगे बढ़ा रहा है। लालू प्रसाद यादव आज आएंगे बिहार, अब पटना में और वजनदार दिखेगी आरजेडी की लालटेन। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में प्रतिबंध जारी, स्कूल रहेंगे बंद, वर्क फ्रॉम होम होगा, 26 नवंबर तक बढ़ा प्रतिबंध। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में फूकेंगे चुनावी बिगुल, सीएम फिर की घोषणा पर सबकी निगाह। पंजाब के नर्सिंग कॉलेज में कश्मीरी छात्रों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, वीडियो वायरल होने पर पहुंचे शाही इमाम, प्रिंसिपल सस्पेंड। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप में पास सोमवार सुबह ग्रेनेड विस्फोट हुआ, इससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रेनेड धमाका आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट के पास हुआ। हरिद्वार में केजरीवाल ने रोड शो में कराया आपकी बढ़त का एहसास, समर्थकों संग शामिल हुए टिकट के दावेदार तस्वीरें। देहरादून में खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत बताकर एक व्यक्ति से नर्सें स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 3.5 लाख रुपए ठगे। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही 1374 प्रकार की दवाएं स्वास्थ्य केंद्र में भी उपलब्ध। जम्मू कश्मीर के 8वें एपिसोड में उपराज्यपाल ने सब इंस्पेक्टर पद के उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, उन्होंने कहा कि सरकार ने जन संपर्क कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसमें वह कोलकाता महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना जिले में कुछ बदमाशों ने तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता मुहर्रम शेख की गोली मारकर हत्या कर दी। कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट, 538 दिनों में 8488 केस दर्ज हुए। कर्नाटक में बारिश से अब तक 24 लोगों की मौत, 24-25 को केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। कोरोना टीके की पहली डोज लगवा चुके लोगों को दूसरी डोज लगवाने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए साप्ताहिक या मासिक लकी ड्रॉ समेत कई उपायों की योजना बनाई। कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को लगेगी कैबिनेट की मोहर, किसानों ने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखकर वार्ता बहाल करने की रखी मांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन पर निशाना, कहा कुछ गैर जिम्मेदार देश तोड़ मरोड़ रहे संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को 4 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली आ रही, वे 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगे। देश भर में आज किसान विजय दिवस मनाएगी कांग्रेस, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक सड़कों पर होंगे कार्यकर्ता। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री को शपथ दिलाई, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में 2 गाड़ियों के शीशे तोड़कर कैश और सामान चोरी, 1 सप्ताह में यह 3री घटना। जिले में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ काशीपुर पावर हाउस स्थित 660 मेगावाट की नई यूनिट का जल्द उद्घाटन कर सकते हैं। पीलीभीत में 16.5 साल के प्रेमी का सातिराना अंदाज देख हैरान रह गई पुलिस, कत्ल करने के बाद 8 दिन तक करता रहा घूमरा। बरेली में आरोपितों का दुस्साहस, स्कूटी सवारों ने अप्रत्याशित पर पत्थरों से किया हमला, घायल कर फैलाई दहशत।
जालंधर सर्किल के 10,000 कर्मी आज से करेंगे हड़ताल, 26 नवंबर तक नहीं जमा होंगे बिजली बिल। फास्ट न्यूज इंडिया चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।